की बढ़ती जनसंख्या को लेकर जनसंख्या आंदोलन चलाए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट। सर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपस में हम सब थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में एक दूसरे का साथ दें। पीछे जितने भी भाई खड़े हैं जनसंख्या समाधान कमीशन पिछले तीन वर्षों से लगातार देश में अधिकतम दो बच्चे कानून के लिए मांग को लेकर टू चाइल्ड पॉलिसी आंदोलन चला रहा है। इसकी मुख्य बिंदु ये है, देश में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है हम भारत में गृह युद्ध और अस्तित्व संकट की ओर है। जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है पानी घट रहा है, यातायात के साधनों की मारामारी है, प्रदूषण बढ़ रहा है, भोजन के लिए दिक्कत होने वाली है। इतनी बड़ी आबादी के लिए हम लोग एजुकेशन रोजगार सबके लिए दिक्कत रहने, इसलिए देश में सख्त कानून बने और सभी के ऊपर समान रूप से लागू। उनसे अनुरोध है वो मंच तैयार किया है जो अब सरकार को और अपना स्थान ग्रहण करें। सरकार को अब तक लगभग 60 से 65 बार देश भर में तीन वर्षों में ऐसा किया गया है ज्ञापन सौंपा। आज भी हम सरकार के लिए ज्ञापन लेके आए हैं जिसमें बिंदु है जो इस विषय को कवर उनका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, भारत जैसे देश में वन चाइल्ड पॉलिसी जैसा नियम थोड़ा सख्त हो जाएगा, इसलिए हमने दो बच्चे के कानून की बात कही है। जो उस कानून को नहीं माने उसकी सभी सरकारी सुविधाएं, सरकारी नौकरी, साथ साथ वोटिंग राइट्स, फिर भी ना माने तो उठा के उनको जेल में मारें। चार पांच बच्चे पैदा करना चाहिए क्योंकि मुस्लिमों में आबादी बढ़ रही है, अब इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं इसे सीधे सीधे संसाधन संकट और सामाजिक संकट से लेकर हमारे बीच कौन क्या कहता है इस विषय पे अगर हम थोड़ी देर ना जाएं तो ये तो पूरा देश मानता है कि देश में आबादी बहुत है। विवाद के बिंदु क्यों पकड़े, हम सीधे सीधे बिंदु को पकड़ते हैं कि देश में आबादी ज्यादा है, ज्यादा है, उसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है तो कानून बनाना है, कानून बनना है सभी के ऊपर। लेकिन हमारे लॉ मेकर्स ये कहें कि पांच बच्चे पैदा करो फिर क्या जी। कानून बनाने वाले सरकार ने ऐसा नहीं कहा है, जहां तक मेरे ध्यान में आता है सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। और सरकार की तरफ से बयान आए या ना आए, देश 135 करोड़ लोगों का है, 135 करोड़ लोग यदि खड़े हो जाएंगे तो सरकार सर के बल आके कानून को बनाएगी। आखिरी सवाल, आज की रैली के बाद आज की रैली करने वाले जी, हम लोग आज 2 बजे से 2:30 बजे के बीच कानून मंत्री भारत सरकार के आवास या संसद की ओर मार्च करेंगे और हम लोग एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ लेने वाले हैं। आज सभी की सहमति से 2 बजे आप सभी के सामने हम लोग फिर संसद पूजा कॉलोनी से।